पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। गालिब ने अपने परिचय से संबंधित ये शेर किन परिस्थितियों में कहा होगा, इसका अनुमान हम कर सकते हैं। आज हम दो सदियों के बाद जब गालिब की ओर मुड़कर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि गालिब तो समय की दृष्टि से या काल की दृष्टि से हमसे दो सदी पहले हुए थे, लेकिन उनकी संवेदना, उनका सोच, उनकी चिंताएं और उनकी वरीयताएं यानी प्राथमिकताएं, जिन्हें आप उर्दू में तरजीहात कहते हैं, वो हमारी आज की हैं, हमारे वर्तमान की हैं। अगर आप गहराई से देखें और समूचे भारतीय साहित्य पर अगर दृष्टिपात करें तो आप ये महसूस करेंगे कि गालिब हमारे पहले भारतीय आधुनिक कवि हैं, पहले भारतीय आधुनिक कवि, क्योंकि आधुनिकता का जो सोच है, उसका उसकी जो अवधारणा है या उसकी जो परिकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, वो आमतौर पर ये माना जाता है कि ये तो पश्चिम से आया है, लेकिन हमें ये सोचना है कि पश्चिम की जो आधुनिकता है वो पश्चिम की अपनी परिस्थितियों की देन है, जो भारत की आधुनिकता है वो हमारी परिस्थितियों की पैदावार है, हमारी परिस्थितियों की उपज है। भारतीय नवजागरण जिसे हम कहते हैं, इंडियन रिनेसा, हमारी आधुनिकता की जड़ें हमारे भारतीय नवजागरण में हैं। यानी जो प्रचलित मूल्य व्यवस्था थी, एक वैल्यू सिस्टम जो चला आ रहा था, उसको क्वेश्चन किया, उसके सामने प्रश्न खड़ा किया, उसके सामने सवालिया निशान खड़ा किया। आप अगर 19वीं सदी के दौरान का संपूर्ण भारतीय साहित्य अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि प्रचलित मूल्य व्यवस्था, प्रचलित धारणाओं को प्रश्नांकित करने की जो पहल है, हमारे भारतीय कवियों में सबसे पहले गालिब ने की। क्या, क्यों, किस लिए, ये सवाल हमेशा गालिब के नजर में रहे। यहां तक कि मैंने सबसे पहला शेर ही अर्ज किया था, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इस एक शेर को ही आप देखिए, कितने सारे क्या इसमें मौजूद हैं। यानी मनुष्य मात्र का जो अस्तित्व है, और जिसको आप ईश्वर या खुदा कहते हैं, उसका अस्तित्व है, उसको वो उसके आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा वो कर रहा है कि जीवन क्या, जीवन क्यों, या जीवन को हम किस तरह से परिभाषित करें, या जिसे आप ईश्वर, खुदा या गॉड कहते हैं, उसको हम किस तरह शब्दों में बांधें। तो गालिब एक वो रचनाकार हैं जो भारतीय कविता को एक वर्तमान हमारे आधुनिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ने की पहल करते हैं।